हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप मेरी क्लाइंट का हेयर लेंथ एंड क्वालिटी देख सकते हैं। लेंथ बहुत अच्छी है और जो थिकनेस है बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम हेयर है। तो चलिए मैं इसमें आप लोगों को डिग्री के हिसाब से स्टेप्स कट बताने वाली हूँ और बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा टॉप एरिया होता है वहाँ से हमें इस तरीके से हेयर को उठाना है, मतलब बॉक्स पार्टिंग करनी है, जैसे कि हम मल्टी स्टेप्स में करते हैं ना, सेम वैसे ही आपको हेयर को इस तरीके से लेना है। अच्छे से पार्टिंग को क्लियर कर लेंगे, आगे पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आगे पीछे रहेगा ना तो फिर कटिंग भी आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि इसी को फॉलो करते हुए हमें बाकी पूरे हेयर की कटिंग को कंप्लीट करना रहेगा। अब इस तरीके से 180 डिग्री पे बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे, शोल्डर के पास से मेजर करेंगे और बराबर कट कर देंगे। तो गाइडलाइन बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, और जो पहला स्टेप्स हमारा होता है वो हमेशा आपका शोल्डर के पास से आना चाहिए, या फिर शोल्डर से थोड़ा सा मतलब जो है ऊपर आना चाहिए। जब हम शोल्डर के पास से कट करेंगे ना तो वो आपका नेप एरिया से आएगा, जो कि बहुत अच्छा लुक देगा। अब हम इसको हाफ एंड हाफ इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे और कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ईयर टू ईयर सेक्शन कंप्लीट करेंगे। कटिंग में जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो बहुत अच्छे से आपको समझना है। एक बार अगर आप मेथड समझ गए ना तो फिर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, चाहे कैसा भी हेयर क्वालिटी हो आप फटाफट से कटिंग कर पाएंगे। तो हम इसको जो है टू सेक्शन में, इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ करके और ऊपर की तरफ लेके चलेंगे कोम करते हुए बिल्कुल सीधा, ये देखिए, और इसको भी हम बराबर कट कर देंगे। तो छोटा हेयर दिख रहा है ना मेरी फिंगर में, वो हमारी गाइडलाइन है और उसी को फॉलो करते हुए हमें इसे कट कर देना है। फिर से एक बार इसे रीचेक कर लेंगे और इस तरीके से बराबर कट कर देना है। नीचे वाले हेयर को भी उठाना है एक साथ में, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 180 डिग्री। ये जो सीधा होता है ना, ये हमारा 180 डिग्री एंगल होता है, हमेशा इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो चुका है अभी, उसके बाद में गाइडलाइन के लिए हेयर को लेंगे। अब हम साइड से इसमें हम साइड वाले हेयर में मिक्स कर लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, पहले हम ईयर टू ईयर वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम जो पीछे का हिस्सा बचेगा उसको हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम इस तरीके से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसको भी सेम वैसे ही टू पार्ट्स में हम ऐसा बांट लेंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा टू सेक्शन, हाफ हाफ करके निकालना है और ऊपर के साइड में लेके जाएंगे, बराबर कट कर देना है। इसको भी इसके साथ में ही मिक्स करेंगे। और ये जो कटिंग है ना, आप ऑल टाइप्स के हेयर पे कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आएगा। अगर किसी का हेयर बहुत ही हेल्दी है, मतलब कर्ली नहीं है, वेवी नहीं है, अच्छे स्ट्रेट एंड हेल्दी हेयर है, थिकनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फिर उसमें तो बहुत बहुत औसम लुक लगेगा इस कटिंग का। उसके बाद में देखिए, ईयर टू ईयर तो हमारा हो चुका है, अब हमें क्या करना है, ये जो पीछे का हिस्सा बचा है हेयर का, इसको हम कट करेंगे। तो इसको भी हम सेक्शन वाइज ही डिवाइड कर लेंगे, थिकनेस के हिसाब से आप कम ज्यादा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए, कम से कम पीछे के साइड में 3 to 4 सेक्शन में डिवाइड करूंगी। तो इस तरीके से हेयर को लेना है और धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ चलना है। तो पहले मैं यहाँ पे 35 एंगल पे कट कर रही हूँ, ठीक है, अगर और डाउन करके करती तो वो जीरो होता, बट मैं जीरो से नहीं कर रही हूँ और इस तरीके से हम कट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है दो गाइडलाइन मिल चुकी हैं, एक ईयर टू ईयर सेक्शन वाला और एक जो हमने टॉप एरिया से कट किया हुआ था। और धीरे धीरे हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जैसे जैसे हम हेयर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कट करेंगे, वैसे वैसे जो स्टेप्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब लास्ट में जब हम लेयर को फिनिश करेंगे कटिंग को, तो उसको हम 180 पे ही ले जाके कट करेंगे। तो ये एक लेयर हमारा हो चुका है। यहाँ से गाइडलाइन के लिए देखिए, थोड़े से हेयर को निकाली हूँ और आगे वाले हेयर के साथ में इस तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही कट करेंगे, पहले 35 पे, ये देखिए, कलाइयों को मोड़ना है, ऐसा घुमाना रहता है, ओके, बराबर कट करेंगे, फिर से कोम करेंगे और कलाई को देखिए मैं किस तरीके से अपना घुमाती हूँ, उस चीज को आप वीडियो में ही देख के समझ पाएंगे। और बराबर ही कटिंग करना रहेगा, कोई तिरछी कटिंग नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से ग्रिप करना है, और जो छोटा हेयर दिख रहा है वो गाइडलाइन है, और ऊपर वाले जो बड़े हेयर दिख रहे हैं उसको हमें कट करना है। तो ये हो गया हमारा 170, देन
180 पे हम ले जाएंगे। 180 हमारा तब होता है जब हम बिल्कुल सीधा, ये होता है 180। अगर हम सामने की तरफ डाउन कर देंगे तो हो जाएगा 190, और डाउन करेंगे तो 195। बट जो है 35 से शुरू की हूँ और 180 तक ही मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसको भी मैं ले रही हूँ, मतलब पीछे में मैंने थ्री पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं। अगर हेयर और घना होता ना तो मैं इसको कम से कम 4 to 5 सेक्शन में डिवाइड करती। तो अगर आप किसी का हेयर बहुत घना है, आप ये वाली कटिंग करना चाहते हैं, तो हेयर का आप पहले थिकनेस देख लेंगे, अच्छे घने हैं तो आप सेक्शन ज़्यादा भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे देखिए मैं हेयर को ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। ग्रिप कैसे करना रहता फिंगर के बीच में, इस तरीके से लेंगे और कट करेंगे। बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ये हो जाएगा। तो ये जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम इसको और अच्छा लुक देने के लिए फ्लावर कट भी ऐड करेंगे। तो उसे कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो पूरे हेयर को पीछे के साइड में लेके आएंगे और इसे जो है आपको इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप थोड़ा ज्यादा लेंगे एक साथ में, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा कम रखेंगे। फ्लावर कट इतना अच्छा होता है कि आप किसी भी कटिंग के साथ में ऐड कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग लगता है। फ्लावर कटिंग की भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वीडियो डाली हुई हैं, अलग अलग तरीके से सेक्शन वाइज डिवाइड करके। ये तो बहुत इजी प्रोसेस है जो अभी मैं कर रही हूँ, इसमें अलग अलग तरीके से भी मैंने बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप स्पेशली अगर फ्लावर कट सर्च करेंगे मेरे नाम से तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, या फिर चैनल पे आप चेक करोगे स्क्रॉल करके तब भी आपको मिल जाएंगी। तो देखिए गोलाई से बराबर ही कट करना रहता है, ठीक है। नीचे वाले हेयर को भी एक साथ में इस तरीके से हम उठा लेंगे, ऊपर की तरफ लेके चलेंगे पूरे बालों को। ये देखिए, और ये टेक्निक इतनी इजी होती है, इतनी इजी होती है कि बस आपको मुट्ठी में इस तरीके से फैला लेना है और उसके बाद में आपको इस तरीके से बराबर थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करते हुए चले जाना है, ठीक है। ये देखिए मैंने डायरेक्ट फ्लावर कट भी अपलोड किया हुआ है जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर कट ही मैं बताई हूँ। तो आप देखिएगा जरूर, बहुत अच्छा लुक आता है कटिंग होने के बाद में। तो देखिए फ्लावर कट कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हमें लास्ट में इसमें और नीचे से फिनिशिंग देनी है। तो मैं इनके बालों पे यू कट करने वाली हूँ। तो बीच वाली जो लेयर है थोड़ी सी चौड़ी लेनी है ताकि जो कटिंग है वो पतला ना दिखे, नीचे से घना दिखे, उसको बराबर कट करना है। देन जो साइड वाले हेयर हैं उसको हम तिरछा कट करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ दिखाने के साथ साथ मैं जितनी भी बारीकियाँ हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बताते हुए चलूँ ताकि वो चीज़ें आप समझ सकें। और ये कटिंग ना आप कैसे भी टाइप के हेयर पे करें, पतले घने लॉन्ग हेयर पे भी बहुत अच्छा लगेगा, तो ये कटिंग आप कर सकते हैं। तो इनका जो हेयर लेंथ है मीडियम है, थिकनेस भी मीडियम है, बहुत ज़्यादा हैवी हेयर नहीं है। तो इस पर मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग किया हुआ है। और हाँ गाइस, सेटिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई क्योंकि जिस दिन मैं कटिंग की हूँ इनका उस दिन सेटिंग की ही नहीं थी, क्योंकि 2 दिन के बाद में इनके यहाँ पे फंक्शन था। तो इनका ये कहना था कि जिस दिन फंक्शन होगा मैं उसी दिन सेटिंग कराऊंगी। तो जब ये आई थी तो हड़बड़ी में फटाफट से मुझे ये करके देना पड़ा। और कटिंग के बाद मैं इनके बालों पे लॉरियल हेयर मास्क अप्लाई की थी, अच्छे से मसाज की थी इनके बालों की। तो जो भी इनके हेयर थोड़े से फ्रिजी एंड रफ लग रहे थे पहले कटिंग के पहले, तो वो काफ़ी अच्छे रिपेयर लगे मुझे और अच्छी शाइन भी लगी। तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें घर पे रह के कर सकते हैं, और किस तरीके से क्या अप्लाई करना रहता है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप सबको, तो वीडियो आप देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये हेयर कट अच्छे से समझ में आ गया हो और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी हेयर कट कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, बस एक बार आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। और जो मेरा सेकंड चैनल है ऑल अबाउट संगीता, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उस पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। चलिए फिर कल मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।